हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज मम्मी और मिकी आने वाले हैं उड़ीसा से, तो मैं बस उनके लिए ये गेस्ट रूम थोड़ा सा सजा ली, न्यू बेडशीट डाल दी, उनके लिए ब्लैंकेट निकाल के रख दी, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ कर ली। नहा चुकी हूँ, अभी जाऊँगी नीचे, भगवान को पूजा करूँगी, उसके बाद आज का दिन को स्टार्ट करूँगी। पूजा कर लिया और मम्मी बोली थी कि मार्गशीर्ष मास गुरुवार चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लक्ष्मी जी का पेड़ बनाया है और कलसी के नीचे इसे एक फ्लावर बना लिया और फ्रंट में इसे लोटस और लक्ष्मी जी का पेड़ बना दिया है। बस सिंपल सा की हूँ आज। सुबह का जितना जो काम था मैंने खत्म कर दिया है। मैं बिग बास्केट से कुछ सामान ऑर्डर करी थी, तो उसके लिए बस वेट कर रही हूँ। और अभी मैं हायरो के लिए थोड़ा सा ट्रीट बना रही हूँ। एक्चुअली हायरो वैसे नॉर्मल ट्रीट नहीं खा सकता, वो स्पेसिफिकली ग्लूटेन फ्री, व्हीट फ्री वाला ट्रीट खाता है। मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड डॉग है वो, और वो वाला ट्रीट सिर्फ मिलता है हेड सफर टेल से, और वही खा के बस उसको खुजली वुजली कुछ नहीं होता है। बट उसका वो खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा उसके लिए बना लूं, और वो एयर फ्राइड वाला भी ट्रीट खा सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पम्पकिन, थोड़ा सा बीट रूट ऐसे छोटे छोटे स्लाइस करके काट लिया है। उसको अभी मैं एयर फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, नहीं तो ऑलिव ऑयल भी खाता है वो, तो थोड़ा डाल के इसको एयर फ्राई कर लूँगी। उसका कोकोनट ऑयल जम गया है, इसलिए मैं चॉपस्टिक से निकाल रही हूँ। थोड़ा सा बस चाहिए, ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। बहुत सोची क्या बनाऊंगी क्या बनाऊंगी, और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाऊंगी। तो मम्मी के लिए बनाने वाली हूँ पहले डालमा। एक्चुअली मम्मी का अभी कुछ चल रहा है, तो इसलिए वो विदाउट ऑनियन गार्लिक का सब कुछ खा रही है, और मैं चटनी बना लूंगी विदाउट ऑनियन गार्लिक का। और हमारे लिए बनाऊंगी पनीर और भिंडी मसाला। तो आज मैं एक अलग स्टाइल में डालमा बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैं जब डालमा बनाई थी तब मेरा डालमा बहुत टेस्टी बना था, बट थोड़ा सा गल गया था, तो इसलिए मैं इस बार सोच रही हूँ कि ये जो वेजिटेबल्स है इसको थोड़ा सा मैं ऑयल देके फ्राई कर लूँगी, और आलू और ये दाल को दो सीटी लगा लूँगी, उसके बाद ये दोनों को मिक्स कर लूँगी। मुझे एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा हो रहा है। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। मैंने डालमा को एक बड़ा सा कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया, बट मैं आज बहुत ज्यादा बना ली हूँ, मतलब इतना ज्यादा बना ली हूँ। अभी मम्मी मिकी दीप मुझे कंटिन्यूसली डालमा दो दिन तक खाना पड़ेगा। डालमा बना ली और उसको मैंने वहाँ पे साइड करके ऐसे रख दिया है, और हायरो का ये ट्रीट भी ऑलरेडी ठंडा हो गया है, देखो वो उठ गया, तो इसको मैं अभी कंटेनर में ट्रांसफर कर लेती हूँ। मिकी की कॉल आई थी और मम्मी लोग पहुंच गए हैं, बट मेरा बिग बास्केट अभी तक नहीं आया, तो मैं पास में जो हमारा ग्रोसरी है वहां से मैं ऑर्डर कर ली भिंडी और पनीर। तो बस अभी भिंडी और पनीर जब आएगा मैं फटाफट ये दो रसोई करूंगी। आटा ऑलरेडी डो बना ली हूँ रोटी बनाने के लिए, तो बस वेट करते हैं कब तक आएगा ये। वाह, देखने में तो काफी सुंदर लग रहा है, अभी पता नहीं टेस्ट में क्या होगा। अभी लास्ट आइटम बस बना रही हूँ भिंडी मसाला, और ये बस दीप के रिक्वायरमेंट से बन रहा है। कल मैं पता नहीं कैसे बना ली और दीप को इतना अच्छा लग गया, वो मुझे बोल के गया था कि तुम प्लीज अगर हो सके तो भिंडी मसाला बना देना। मैंने एक्चुअली क्या किया था, थोड़ा सा ऑयल लिया, फिर प्याज को डाल दिया और भिंडी को डाल दी, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सब मसाला डाल दी, बस उसको ढक के रख दी। 10-15 मिनट के बाद आके देखी भिंडी बन गया, तो मैंने उसको नाम दे दिया भिंडी मसाला, और दीप को बड़ा अच्छा लग गया, तो वही आज वही बनाऊंगी एक्चुअली।
तो वही बस सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम फॉलो करूंगी, वही बनाऊंगी, कॉपी पेस्ट करना है बस। मम्मी और निकी आ गए हैं, इतने सारे बैग्स। हायरो, इंटरेस्टिंग, क्या क्या सब है। कितना थिक ग्रेवी हुआ है जस्ट बिकॉज मैंने क्रीम डाला है। तू तो खाए बने मम्मी पनीर। आओ भेंडी, फर्स्ट दिन रे समस्ते भल भल करते। लंच कर लिए, अभी सब सामान निकालेंगे, एक एक करके देखेंगे क्या क्या सब लाए हैं। इतना दूर से उड़ीसा से आया है, क्या क्या सब देखेंगे। कितना कुछ लाई है यहाँ पे, ये सारे कटक मिक्सचर, कटक मिक्सचर 3 kg हम लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेचेंगे कटक मिक्सचर। ये क्या बंगाली में लिखा हुआ है, नाम है दुर्गा मिक्सचर। उसके बाद दीप के लिए ये लड्डू, ये लड्डू, और ये भी एक लड्डू, हाँ बादाम लड्डू। और फिर दीप बोला था मिकी को स्वीट सुपारी लाने के लिए, तो मिकी 3 packets ये स्वीट सुपारी लेके आई है। और ये मम्मी लेके आई है घी, गांव का घी। और ये आरिसा चीनी का है, और ये गुड़ का है। तो ये चीनी वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, दीप को ये गुड़ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ये है घर पे बनाया हुआ तिल का लड्डू, ये गुड्डू का घर का ऑरेंज, मतलब लग ही नहीं रहा है कि घर पे हुआ है। ये भी किसके घर में एक हुआ था, कहाँ पर इतला, चौंदा अंकल घर, तेजा पत्रा, बढ़िया। मैं ऐसे दिखा दिखा के थक गई, मैं इसलिए बैठ गई, अभी एक एक करके यहाँ पे बैठ के दिखाऊंगी। ये है एक लोहा का कढ़ाई, मैंने बोला था मिकी को कि एक छोटा सा लेके आना मैं कुछ फ्राई वगैरह करने के लिए, वो मेरे जिस मेरे पास जो है वही सेम चीज लेके आई है, उसको समझ में नहीं आया। ठीक है अभी ले आई है, क्या करें। और यहाँ पे लोहा का कढ़ाई का प्राइस है, जब पूछा था तब मुझे 600-700 बोले थे वो, बट ये 100-150 रुपीज में वो लेके आई है, मतलब कितना सस्ता में लेके आई है। और उसके बाद मम्मी लाई है दीप के लिए पीनट्स। उसके बाद ये क्रीम बिस्किट, उसके बाद बेसन का लड्डू, तो दीप के लिए नहीं है मतलब सबके लिए है। उसके बाद ये चॉकलेट, और ये सोन पापड़ी ना, हाँ। और एक्चुअली मुझे सोन पापड़ी खाने के लिए बहुत मन कर रहा था, ये सोन पापड़ी, ये पता नहीं क्या है, ये गुआवा, घर का गुआवा, कहाँ घर है इटा, ये दादा है उनका घर का गुआवा, तो उनको पता चला कि मम्मी आ रही है तो मम्मी के हाथ में भेजे हैं। कितना सारा, मिकी गई थी इस बार बाली यात्रा, तो वो बाली यात्रा से क्या क्या लेके आई है वही पूछ रही हूँ। देखा, दीप बोला था कि राइटोमीटर पेन लेके आने के लिए मिकी को, ये मिकी लेके आई है राइटोमीटर पेन, बट ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, डिफरेंट राइटोमीटर पेन, राइटोमीटर अपना स्टाइल चेंज कर दिया है। के बाद मिकी लाई है ज्वेलरी, तो 40 rupees 40 rupees 40 rupees में 2 jewelry बाली यात्रा से लेके आई है। बढ़िया, बट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है नहीं तो 40 rupees में आजकल क्या मिलता है। और एक लेके आई है ये बैग, ये तो बड़ा दिखा उसका, लेके आई है स्लिंग बैग, अच्छा है ये। एटा कितना का मिला, 200, ये 200 rupees में, बार्गेनिंग गई 350 इस मिकी बार्गेनिंग सीख गई, अच्छा है, बहुत क्यूट है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं बोली थी रबर बैंड लेके आने के लिए, तो वो लेके आई है 2 packets रबर बैंड 10 rupees में, इतना सारा रबर बैंड। ओडिशा में ये सब बहुत सस्ते सस्ते में मिलता है। और एक इयर रिंग भी लेके आई है जो कि बहुत सुंदर है, हाँ ये बहुत लगुची, ये 100 rupees, ये अच्छा लग रहा है, हाँ ये क्वालिटी भी भला, इसका क्वालिटी भी अच्छा है और सुंदर भी है। तो ये मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ और बोलती हूँ। ये बहुत ज्यादा बड़ा है,
बाबा रे इतना बड़ा है। तो ये है एक हैंडमेड कार था, मुझे चाहिए था और यहाँ पे इतना ज्यादा कॉस्टली है, मिनिमम 2-3 thousand तो लगता है। बट ये बना है मम्मी के जितने सारे यूज्ड साड़ी थे उससे बना है। एक्चुअली गांव में से टेलर आते हैं और उनको ऐसे साड़ी दे देने से वो ऐसे बना लेते हैं। और इसका कॉस्ट सिर्फ 200 rupees ना, 300 rupees, 300 rupees में मतलब क्या बोलूं मैं, साड़ी का भी यूज हो गया और बहुत कम पैसे में आपको इतना सुंदर सा एक काथा मिल गया। मैं इसको जब बिछाऊंगी तब दिखाऊंगी, बट मैं पिक्चर में तो ऑलरेडी देख ली थी, मम्मी मुझे भेजी थी, बट काफी सुंदर है और काफी हेवी है। तो ये इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि कैसा है क्या है, मुझे हमेशा से मन था और दीप को भी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं मम्मी को बोली थी कि जैसे भी करके ये बना के लेके आने के लिए, तो वो लेके आई है। लंच करने के बाद इतना ज्यादा नींद आ गई, हम लोग सब सो गए थे, मेरा आँख भी इतना फूल गया है। जस्ट अभी उठे, शाम हो गई है तो मम्मी अभी पूजा कर रही है। मम्मी जो मीठा पीठा सब ओडिशा से लेके आई है, मैं सबको थोड़ा थोड़ा देती हूँ हमेशा, तो इसलिए ऐसे सजा के रखी हूँ। और ये है पोड़ा पीठा, पोड़ा पीठा भी दूंगी, थोड़ा गर्म कर देना पड़ेगा। आज सुबह से तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। मुझे देखो मैंने आज कैसे लंच बनाया। सब क्या सब हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं और डिनर कर रहे हैं। अभी फिर डिनर करेंगे और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और आपको तक मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टिल देन टाटा, गुड नाइट।